एक डॉक्टर को सर्जरी के लिए अर्जेंट कॉल मौसूल हुई। वो तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ और जल्दी में कपड़े तब्दील किए और सीधा सर्जरी ब्लॉक की तरफ गया। वहां डॉक्टर को बच्चे का वालिद डॉक्टर के इंतजार में परेशानी के आलम में टहलता हुआ मिला। डॉक्टर को देखते ही बच्चे का वालिद आपे से बाहर हो गया और गुस्से से पूछने लगा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे माफ करें, मैं अस्पताल में मौजूद नहीं था। मैं इतला मिलने पर जितनी जल्दी हो सका यहाँ पहुंच गया। अब आप इत्मीनान रखें ताकि मैं अपना काम कर सकूं। इत्मीनान, बच्चे का बाप गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम्हारा बेटा यहाँ इस कमरे में मौजूद होता तो तुम इत्मीनान रखते? अगर तुम्हारे बेटे का इस वक्त इंतकाल हो जाए तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम मिट्टी से बने हैं और हम सबको मिट्टी में ही वापस जाना है। आप अपने बेटे के लिए दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब खुद पर ना गुजरे तब नसीहतें करना आसान होता है। बच्चे का वालिद जेरे लब बड़बड़ाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, डॉक्टर खुशी से बाहर आया और वालिद को खुशखबरी दी कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, जो भी सवाल हो नर्स से पूछ लें, और तेजी से बाहर की जानी भागने लगा। वालिद ने नर्स को देखकर शिकायत की, ये डॉक्टर इतना अकड़ू क्यों है? क्या ये कुछ देर रुक नहीं सकता था कि मैं अपने बेटे के मुतालिक बात कर लेता? नर्स ने आंसू से सर चेहरे के साथ जवाब दिया, डॉक्टर को जब कॉल की गई तो वो तकफीन में थे, कल एक हादसे में इनके बेटे का इंतकाल हो गया। आपके बेटे की जान बचाने के बाद वो अपने बेटे की तदफीन मुकम्मल करने भागे हैं। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप इनकी जिंदगी के मसाइल से ना आशना हैं और ना ही इस बात से वाकिफ हैं कि वो किस किस्म के हालात का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।